पहला नमन देना चाहूँगा उस दिव्यात्मा को जिन्होंने दयाल सिंह कॉलेज नामक इस वाटिका का की स्थापना की। दूसरा नमन वाटिका के पौधों को, मेरे गुरुजनों को। और तीसरा नमन आप उन फूलों को उस वाटिका की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आज दयाल सिंह मजीठिया जी को अपने काव्य शब्द रूपी पुष्पगुच्छ से जो तैयार किए हैं उनसे श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। हम फुलवारी बगिया की आप वृक्ष जो हैं चंदन, हम फुलवारी बगिया की आप वृक्ष जो हैं चंदन, महापुरुष महात्यागी हो आप, मोह माया का है भंजन, ज्ञान दान की मूर्त हो आप, हम सबके मार्गदर्शक है पथ प्रदर्शक, युग प्रवर्तक, सत सत बार है आपको वंदन। और दयाल सिंह मजीठिया जी क्या है, उनकी प्रतिमा आपके सामने लगी हुई है जो मैंने महसूस किया नीचे बैठे हुए, शायद आप भी वो महसूस कर रहे होंगे। क्या महसूस करते होंगे कि रेत भरी आंखों में ख्वाब सजाकर बैठे हैं, रेत भरी आंखों में ख्वाब सजाकर बैठे हैं, नाग फनियों के बीच गुलाब को महकाकर बैठे हैं आपके साय में बैठे। तो दिल ने ये महसूस किया जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहाकर बैठे हैं, जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहाकर बैठे हैं। दयाल सिंह मजीठिया जी हैं क्या, चार पंक्तियों में उनको परिभाषित करना सही नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा प्रयास किया है कि जन्मे बड़े पले और बनारस में खूब खेले, जन्मे बड़े पले और बनारस में खूब खेले, लहना जी के प्यारे और दुलारे हैं मजीठिया जी। लहना जी उनके पिताजी का नाम, के जन्मे पले बड़े थे बनारस में खूब खेले, लहना जी के प्यारे ओ दुलारे हैं मजीठिया जी, सादा सेवा लोगों की निस्वार्थ भाव से, बच्चों गरीबों के सहारे हैं मजीठिया जी, बच्चों गरीबों के सहारे हैं मजीठिया जी, चमके सदा ही चमकते रहेंगे वो क्षितिज के गौरव सितारे हैं मजीठिया जी, ऐसा पुत्र माँ के माँ, ऐसा पुत्र पाकर के माँ भारती भी धन्य हुई, धन्य है कि हम धन है हम सब हमारे हैं मजीठिया जी, धन हैं हम सब हमारे हैं मजीठिया जी। और अलबेला खत्र जी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मान अभिमान, जो दयाल सिंह मजीठिया भी चाहते होंगे, मान अभिमान तज तज ओ समान तप ओ समान तज तज चाहे गीता और तज दे कुरान को, नोह और न्याला तज गिर जा शिवाला तज तज चाहे तीज चौथ नौमी रम रमजान को, काशी बाबा ग्रंथ तज चाहे सारे पंथ तज तज दे तू भजनों की लंबी लंबी तान को, तज दे तू भजनों की लंबी लंबी तान को, इसकी आराधना का मन यदि करता है, इसकी आराधना का मन यदि करता है, प्रेम कर प्रेम कर तू प्रेम कर इंसान को, प्रेम कर तू इंसान को। और भगवान क्या चाहते होंगे, मैं हमारे प्राचार्य जी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर उस इस वाटिका में दयाल सिंह मजीठिया जी की प्रतिमा एक हमारी इस वाटिका में हो, उनके भाव भंगिमा, उनके जो विचारों हो, हम फुलवारी में फैले उसकी सुगंध सारे परिसर में हो, तब कहता हूँ जायज है प्रतिमा पत्थर की बनेगी। उसे मालूम है किसका कहाँ नुकसान होना है, कहाँ पर फूल खिलने हैं, कहाँ वीरान होना है, वो इंसान को नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है, ईश्वर लिखता है तकदीर, वो इंसान की नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है, किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। वो प्रतिमा हम अपने भगवान अपने राजा दयाल सिंह मजीठिया जी के रूप में पूजेंगे। और दान की बात की जाए, दानवीर कर्ण को सब मशहूर हैं जानते हैं, मैं किनको दानवीर कर्ण के बाद यदि किसी को मानता हूँ, छंद मुक्तक के माध्यम से सौंपता हूँ। गीत अवगीत से सब हैं भजन सा कोई कोई है, गीत अवगीत से सब हैं भजन सा कोई कोई है, दुशासन है बहुत सारे कृष्ण सा कोई कोई है, सभी गांधारी से अंधे हुए जाते बुराई देख, दानी है बहुत सारे करण सा कोई कोई है। करण जैसे हमारे दर्शन मिले।
चुके अभी, और उनका नाम कैसे होता है, क्यों आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं। चले कांटों पे जो हंसकर उसी का नाम होता है, दिखाई दे जहाँ को वो उचित वो काम होता है, जो कर दे दान अपनी सारी कमाई देश की खातिर, वही होता है मर्यादित कल का श्री राम होता है। हमारे आराध्य हमारे श्री राम दयाल सिंह मजीठिया जी को एक बार पुनः श्रद्धांजलि। नमस्कार, धन्यवाद।